आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है पनीर रेशमी हांडी। ये इतनी जबरदस्त बनेगी कि बच्चे बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखते रहें और बनाकर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले हम एक वॉक के अंदर ऑयल ले लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन और अदरक थोड़ा कुक हो जाए तो उसके अंदर हम बोनलेस थाई के पीसेस का चिकन डालेंगे। इसको इस तरह से काट लिया है। अगर आप चाहें तो चेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन थाई के पीसेस का बहुत ज्यादा जूसी बनेगा। चिकन ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन एक चम्मच सॉल्ट भी डाल देंगे। शुरू में सॉल्ट कम डालेंगे क्योंकि चीज वगैरह और दूसरे इंग्रीडियंट्स जो हम डालेंगे उसके अंदर भी सॉल्ट होगा। चिकन व्हाइट होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, फिर इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। एक चम्मच सूखा धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चिकन व्हाइट हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल रही हूं तकरीबन 1.5 से 2 प्याज चॉप्ड। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से प्याज को भूनते जाएंगे ताकि चिकन और प्याज बहुत अच्छे से कुक हो जाए। प्याज को मैं बहुत अच्छे तरीके से भून रही हूं। साथ में मैं इसमें डालने लगी हूं एक चम्मच व्हाइट पेपर। दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। चिकन और प्याज अच्छा खासा पानी छोड़ चुके हैं तो इसको अच्छे से ड्राई करके तब तक भूनते रहेंगे जब तक पानी भी खुश ना हो जाए और चिकन भी गल जाए। पानी अच्छी तरह से सूख गया। अब हम इसको मजीद कुछ देर के लिए भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनकर हम इसमें डालेंगे एक कप दही और दही के साथ भी भून लेंगे। दही का पानी जब खुश्क हो जाए तो एक पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम इसके अंदर डाल दूंगी और दोबारा मिक्स करके थोड़ी देर पका लूंगी। क्रीम के बाद इसमें डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच क्रश ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज इस रेसिपी में जरा ज्यादा डलेंगी, तो ये चले गई 2 चम्मच ग्रीन चिलीज। अब इनको मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन की यखनी भी डाल सकते हैं और चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। एंड पर मैं 1 चम्मच और क्रश्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूं ताकि मजीद अच्छा सा फ्लेवर और कलर आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूं तकरीबन 2 चम्मच लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं तो सिरका डाल लें। इस पॉइंट पर मुझे जरा सॉस थिक लगी तो मैंने इसके अंदर कुछ दूध ऐड कर लिया। थ्रू आउट प्रिपरेशन जब भी आपको लगे कि सॉस जरा थिक हो रही है तो आप दूध ऐड कर सकते हैं और पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सॉस इनफ कुक हो गई है तो इसके अंदर हम डालेंगे चीज।
तकरीबन 250 से 300 ग्राम ग्रेट की हुई चेडर चीज मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब चीज को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। मुझे दोबारा लगा कि थॉस थोड़ी थिक हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा दूध अंदर ऐड कर दिया। रेसिपी हमारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 अदद कटी हुई शिमला मिर्चें। शिमला मिर्चें ऐड करके इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी कच्ची पसंद है तो आप कम कुक कर लें, अगर पूरी सॉफ्ट पसंद है तो ज्यादा कुक कर लें। जब शिमला मिर्चें आपके डिजायर्ड लेवल तक कुक हो जाएं तो आंच बंद कर दें और हमारी मजेदार सी रेशमी कढ़ाई इज रेडी टू बी सर्व। अब मैं अपनी पनीर रेशमी कढ़ाई को एक मट्टी की हांडी में निकाल लूंगी। जबरदस्त सी गर्मा गर्म हांडी रेडी टू बी सर्व। मैंने मट्टी की हांडी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, तो आप देख सकते हो कैसे सिजल कर रहा है ऑयल। ऊपर से हम 2 से 3 हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की पनीर रेशमी हांडी, बहुत जबरदस्त बनेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी बाकी भी बहुत बहुत मजेदार रेसिपीज हैं, जरूर ट्राई कीजिए। मेरे पास एयर फ्रायर वाली प्लेलिस्ट है, वेट लॉस प्लेलिस्ट है, पास्ता प्लेलिस्ट है, जरूर चेक कीजिएगा।